हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन गुड़गांव। मेरा नाम हरनीत सिंह है। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है टू फाइंड यू अ प्रॉपर्टी नियर गोल्फ कोर्स रोड, नियर साइबर हब, मेट्रो के भी पास हो और 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में हो। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फुली फर्निश्ड है, साइबर सिटी, अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन सिकंदरपुर से हार्डली 5 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। DDJY लाइसेंस प्रोजेक्ट है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं, लेट्स सी व्हाट द बिल्डर इज ऑफरिंग और क्या क्या चीजें आपको वहां पे मिलती है। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं गोल्फ कोर्स रोड पे और आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन पूरा गोल्फ कोर्स रोड है। इट्स अ वेरी वाइड रोड और सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टीज आपको इस रोड पे देखने को मिलती हैं जो DLF के द्वारा सारी डेवलप करी गई हैं। ऑन द राइट यू विल सी रैपिड मेट्रो का पूरा एक जो सिकंदरपुर से पूरा स्ट्रेच है टूवर्ड सेक्टर 56 तक आपको लेके जाता है। ये वही रोड है। एंड इफ यू टॉक अबाउट किस तरह के ब्रांड्स हैं यहाँ पे, AMEX का काफ़ी फेमस ऑफिस है यहाँ पे, पूरा जेनपैक यहाँ पे काफ़ी सालों से इस्टेब्लिश्ड है। ऑन द लेफ्ट भी आप अगर आगे देखेंगे तो यू हैव DLF मंगोलियाज, DLF कैमेलियाज, जो आज की डेट में गुड़गांव की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज हैं। पर स्क्वायर फिट प्राइस की बात करें तो समवेयर अराउंड 30,000 से 35,000, 40,000 पर स्क्वायर फिट तक इनके प्राइसेस जाते हैं। जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, हाउ स्मूथली द ट्रैफिक इज मूविंग एंड कितना ग्रीनरी है इस रोड पे। सो यही एक प्रीमियम और एक खास बात है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन क्यों इतना फेमस है। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे, वी हैव मेट्रो स्टेशन बाय द नेम ऑफ सेक्टर 42 एंड 43। इस मेट्रो स्टेशन से भी काफी अच्छी कनेक्टिविटी है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एक फ्री ट्रैफिक मूवमेंट इस रोड पे रहता है पूरा। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, कितनी सुंदर और कितनी लग्जूरियस प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं। सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है कि इसी एरिया के अराउंड, क्योंकि यू माइट बी वर्किंग इन द IT इंडस्ट्री, यू माइट बी वर्किंग इन सम ऑफ द कंपनीज जो यहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, तो उस रिक्वेस्ट के चलते वी फाउंड आउट अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी सनसेट की। यहाँ पे आप अगर इस क्रॉस सेक्शन से, इस राउंड अबाउट से राइट लेते हैं, यू विल बी कनेक्टेड टू हुडा मेट्रो स्टेशन। एंड इसी रोड पे अगर आप सीधा ट्रैवल करते हैं, यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स सेक्टर 54, 55, 56 आ जाता है। इसी राउंड अबाउट मूव कर रहा है, ग्रीनरी ऑन ऑल द साइड्स विद वाइड ओपन स्काइज। सो ये एक खास बात है क्यों गोल्फ कोर्स रोड इतना कॉस्टली है और क्यों इतना फेमस है। सो दिस इज वी आर अगेन ऑन द सेम रोड जहां से हमने लेफ्ट लिया था फरीदाबाद रोड के लिए टुवर्ड्स ग्वालपाड़ी। तो वंस दिस रोड्स एंड्स तो यहाँ पे एक टी पॉइंट आता है। वी आर स्टैंडिंग राइट ऑन द टी पॉइंट राइट नाउ। इफ यू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हेयर तो आप दिल्ली की तरफ मूव कर जाएंगे, यू विल बी कनेक्टेड टुवर्ड्स दिल्ली। नाउ इसी टी पॉइंट से इफ यू टेक अ राइट सो यू विल बी ऑन द फरीदाबाद, एक्चुअल फरीदाबाद रोड जो ग्वालपाड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
सो नाउ वी आर जस्ट टेकिंग लेफ्ट जहाँ पे एक्चुअल साइट पे हम पहुँच चुके हैं. देखिए आप, दिस इज अ कम्प्लीटली गेटेड कम्युनिटी, सारी सिक्योरिटी यहाँ पे है. द कंस्ट्रक्शन दैट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू इज सिक्स स्टोरी कमर्शियल एंड क्लब हाउस जो डेवलप कर रहे हैं सन सिटी. यहाँ पे पूरा एक एकड़ में डेडिकेटेड ये आपका एक रिक्रिएशनल स्पेस बनाया जा रहा है. अगेन द एंट्रेंस रोड इज वेरी वाइड. पूरी गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी भी यहाँ पे रहेगी पूरी 24 आवर. सो दिस इज वेयर नाउ वी हैव एंटर्ड द एक्चुअल प्रेमाइसेस ऑफ वेयर द अपार्टमेंट्स आर देयर. द फ्लोर्स आर देयर, दीज आर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स. कंसेप्ट जो है यहाँ पे वो आपका स्टेल्थ पार्किंग विल बी देयर ऑन द रोड लेवल, ऑन द ग्राउंड लेवल. देन यू हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर तक है. आप देखिए पूरा डेवलप्ड है, पूरा बना हुआ है. पोजेशन यू विल बी गेटिंग ऑफ दिस फ्लोर बाय द नेक्स्ट 3 to 4 months, अक्टूबर तक आप यहाँ पे एक्चुअली शिफ्ट हो जाएंगे. दिवाली आप मना सकते हैं यहाँ पे अपनी. हाय गाइस, वेलकम. दिस सैंपल फ्लैट इज एट सन सिटी वत्सल वैली. जो साइज आप अभी देख रहे हैं, दिस इज पर्टिकुलरली 1430 स्क्वायर फीट, जो बिल्ट है 170 गज के प्लॉट एरिया पे. आइए नजर मारते हैं पूरे लेआउट के ऊपर पे. दिस इज बेसिकली द लिविंग डाइनिंग एंड आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसको डेवलपर ने डिजाइन किया है. पूरा फ्लोर की आप बात करें, फ्लोर पे आपको पूरा इटालियन मार्बल मिलता है. दिस इज योर डाइनिंग एरिया. इस तरह से डाइनिंग प्लान कर सकते हैं आप अपना. पीछे कितनी सुंदर फ्रूटेड पैटर्न में मैट फिनिश में विद गोल्डन बिडिंग्स आपका ये डिजाइन एक वॉल पैनलिंग का बनाया गया है. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट सीटिंग एरिया, जो लिविंग डाइनिंग में कॉमन सीटिंग एरिया रहेगा, दिस इज द सीटिंग एरिया. यहाँ पे आप सोफा और सेंटर टेबल इस तरह से प्लान कर सकते हैं. देन यू हैव टीवी ऑन दिस वॉल. आराम से आपका एक समवेयर अराउंड 40+ inches का टीवी का सेटअप यहाँ पे बन सकता है विद दिस कंसोल कैबिनेट बिलो इट टू स्टोर ऑल योर रिमोट्स एंड पेन ड्राइव्स. एवरीथिंग कैन बी अकोमोडेटेड हियर. इसके साथ आप चौखट वगैरह की भी बात करें तो चौखट मेलामाइन ग्लॉस फिनिश में बहुत अच्छे से डिजाइन करी गई है. ब्रॉडनेस और थिकनेस भी काफी अच्छी रखी है. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बेडरूम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं. 3 bedroom का ये पूरा लेआउट है. ये पहला बेडरूम है. इसमें इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की आप बात करेंगे, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज पूरा मिलेगा विद ऑल दीज लाइट्स एंड ऑल. फ्लोरिंग की बात करेंगे, फ्लोर आपको पूरा वुडन फ्लोरिंग मिलेगा एंड काफी अच्छे ब्रांड्स ग्रीनलैम एंड सेंचुरी के ब्रांड इसमें यूज करे गए हैं. This can act as one of your storage units, जो बेड के बिल्कुल सामने रहेगा. बेड भी इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं. This is a very nice lake, one of the latest designs जो आजकल full quilted beds में चल रहे हैं. अब आप सामने से अगर देखेंगे तो बेड से भी एक काफी अच्छा डिस्टेंस है. This can act as your storage console, इसके ऊपर आप टीवी भी अपना प्लान कर सकते हैं. Now we have two things here. One is your attached balcony to this bedroom. उसके बाद आपका एक fully डन अप वॉशरूम यहाँ पे आ जाता है. लेटेस्ट स्टाइल के डिजाइन यहाँ पे यूज करे गए हैं. ग्रे एंड व्हाइट, ऑफ व्हाइट का इसमें कलर पैटर्न रखा गया है. फिटिंग्स एंड सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर की आप बात करेंगे तो सैनिटरी वेयर सब कुछ ब्रांडेड है यहाँ पे. इवन आपको ग्लास पार्टीशन जो मिलता है, दिस इज अ टफंड ग्लास जिसकी थिकनेस समवेयर अराउंड 10 to 12 mm रहती है. तो इफ इन केस आपको ये डाउट है कि रिस्क है ग्लास पार्टीशन इंस्टॉल करना या चोट लग सकती है, तो दिस इज अ टफंड ग्लास. नाउ इफ यू टॉक अबाउट बालकनी भी हम आपको दिखा देते हैं. बालकनी कैसी है और क्या व्यू है बालकनी से. दिस इज योर बालकनी जो एक मल्टीपर्पज बालकनी की तरह आप यूज कर सकते हैं. इवन जो एसी लगे हैं, एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो आपके पीछे इस तरह से ऊपर इंस्टॉल और वॉल्स पे कर सकते हैं आउटर एरिया में. आइए आपको और बेडरूम भी एक बार पूरा दिखा देते हैं. आइए अब हम आपको दूसरे बेडरूम्स भी दिखाते हैं, जो एक मास्टर बेडरूम है एंड द अदर वन इज द किड्स बेडरूम. सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम. अगेन सेम डिजाइन ऑफ द चौखट मेलामाइन ग्लॉस फिनिश में आपको चौखट मिलती है. थिकनेस एंड ब्रॉडनेस काफी अच्छी रखी गई है. नाउ जस्ट कम इनसाइड एंड टेक अ लुक. पूरी फॉल सीलिंग कितने अच्छे से कोव्स डिजाइन करे गए. इसी तरह से लाइट्स आपको मिलेंगे. यू विल बी हैविंग दिस वार्डरोब. वार्डरोब भी आपको काफी प्रीमियम मैट फिनिश में वार्डरोब मिल रहे हैं. एंड if you look at the detailing, this is all machine done, machine press laminates.
मैट फिनिश में पूरा वुडन टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है। दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर बेड। बेड भी आप इस तरह से पूरा एक लंबी कंप्लीट हेडबोर्ड को आप इस तरह से बना सकते हैं। नाउ वी हैव द बेडरूम है, द वॉशरूम है, सॉरी वॉशरूम भी आप देखेंगे तो बेज और क्रीम शेड में पूरा प्लान किया गया है। इससे आपको एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं आएगा, खुला खुला वॉशरूम लगेगा, लाइटिंग भी काफी अच्छी वार्म वाइट रखी गई है, ऑल द फिटिंग्स एवरीथिंग। वैनिटी भी आप बात करें, वैनिटी के ऊपर यू हैव पॉट्स, काउंटर टॉप, गीजर भी आपको यहाँ पे लगा के मिलेगा, ग्लास पार्टीशन आपको मिल रहे हैं इसमें, अगेन टफन ग्लास विद 12 mm थिकनेस। नाउ वी हैव एन अटैच्ड बालकनी टू इट। बालकनी की आप अगर एंट्रेंस की बात करेंगे, यू हैव 7-step पाउडर कोटेड साउंड प्रूफ ग्लास माउंटेड कि आपको बाहर से कोई शोर ना आए, पीसफुली आप अपना टाइम विद फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बालकनी। दिस इज योर बालकनी स्पेस। इवन अगर आपको अपना टीवी बेड के सामने प्लान करना है या ड्रेसिंग को प्लान करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव क्रिएटेड अ कंटीन्यूअस टीवी पैनल अलोंग विद अ ड्रेसर हेयर। यहाँ पे आप स्टोरेज भी अपना कर सकते हैं, मेकअप का सामान रखना है कुछ भी, आप इसको और किसी डिजाइन के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। यू कैन हैव सीटिंग है, मिरर ऊपर लगा हुआ है, प्लस ये आप वॉल का एरिया देखिए कितना ह्यूज वॉल एरिया बच रहा है। आराम से आपका 55 inch से बड़ा साइज का टीवी भी इंस्टॉल हो सकता है टू एंजॉय टाइम विद योर फैमिली हेयर। नाउ लेट्स कम एंड टेक अ लुक एट द किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से प्लान किया गया है एंड उसके साथ आपको एक अटैच बालकनी भी मिलती है। आइए मेरे साथ। This is now we are in the kids bedroom. कितनी अच्छी wall paneling करी गई है। Now take a look at the color combination और theme भी आप इस तरह से अपना बच्चों के लिए रख सकते हैं। This is basically a bunk bed. अगर दो बच्चे हैं family में तो ऊपर नीचे आप इस तरह से accommodate कर सकते हैं। एक cupboard आपको मिलता है, again machine done, woodwork is here. उसके बाद पीछे आप washroom भी देखेंगे, आगे washroom भी देखते हैं। वॉशरूम में भी सारी सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइट्स, गीजर, सैनिटरी वेयर सारा आपको ब्रांडेड मिल रहा है। वही सेम सूदिंग और बहुत अच्छा कलर पैटर्न रखा गया है, ग्रे विट्रीफाइड टाइल्स ऑन द वॉल एंड सेरेमिक टाइल्स ऑन द फ्लोर जो एंटी स्किड है तो पानी से अगर आपको वो थोड़ा गिरने का भी खतरा नहीं रहता। आपकी अटैच बालकनी है जो बिल्डिंग का फ्रंट भी है। इस तरह से आप बालकनी को भी अपना एक ग्रीन कार्पेटिंग करके प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सिट आउट बना हुआ है, इस सिट आउट पे भी आप अपना इवनिंग टी एंड मॉर्निंग टी एंजॉय कर सकते हैं। नाउ जस्ट टेक अ लुक एट द एंटायर एलिवेशन, एंटायर रो, ये सारा इसी तरह से प्लान्ड है। आपके सामने चीज बनी हुई है, जस्ट कम एंड सी एंड स्टार्ट योर बुकिंग्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉड्यूलर किचन भी आपको डेवलपर पूरा प्रोवाइड कर रहा है एंड दिस इज एन ओपन किचन कंसेप्ट जिसमें आपको एक बहुत एरी और एक बहुत खुला फील आता है। फ्रिज का भी आप एरिया देखेंगे तो आजकल जो 900 mm मतलब 3 feet के जो वाइड फ्रिजेस भी चल रहे हैं जो इस तरह से डबल डोर ओपनिंग होती है वो भी आपका इजिली इंस्टॉल हो सकता है यहाँ पे। नाउ टाइलिंग की आप बात करिए, दिस इज अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ टाइल दैट इज नोन एज सतवारियो। काउंटर टॉप की बात करें, दिस इज अगेन वेरी प्रीमियम काउंटर टॉप। आपको चिमनी ग्लेन की मिलती है, यू विल बी हैविंग अ 4 top burner फ्रॉम ग्लेन। उसके बाद सारे इनोटेक चैनल यूज करे गए हैं एंड इवन जो लैमिनेट्स हैं, लैमिनेट्स आर आल्सो फ्रॉम अ ब्रांडेड कंपनी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला बिकॉज ऑल दिस इज अ मशीन डन वर्क। आइए नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट लुक एंड क्विक लुक आपका लिविंग डाइनिंग कैसा लग रहा है।